मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो ये जो सिलेबस है ये एयू जॉब फॉर नॉन टीचिंग वैकेंसी 2023, ठीक है नी। और इससे पहले क्या था, मतलब 22 में भी ये चीज़ आई थी, 2023 में भी ये चीज़ आई है, ठीक है नी। तो उसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कम्प्लीट जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो प्लेलिस्ट पर भी अवेलेबल है, ठीक है नी। और इस वीडियो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, सिलेबस की वीडियो वहाँ मौजूद है, साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करें उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि राजस्थान में 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो समय समय पर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसी आती रहती, फिलहाल आई भी हुई है, जैसे कि एयू कोटा में, एयू जो मतलब आपकी जॉब ने SKNU में, ठीक है नहीं। और आपकी जो है मतलब MPUT में भी ये चीज़ है, और इसी प्रकार से SKRU। तो इसी प्रकार से लगातार अपडेट आपको मिलते रहते हैं। जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा ना उनको सब चीज़ पता है, ठीक है नहीं। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सब चीज़ मिल जाएगी। और कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब यदि पहले से कर रखा शुरू से ऑलरेडी, तो आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए, ठीक है नहीं। तो शुरू करते हैं। ये सिलेबस है, किसका सिलेबस है, एयू जोधपुर नॉन टीचिंग वैकेंसी 2023 आंसू लिपिक ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड का सिलेबस है, ठीक है। तो देख सकते हो आप इसकी एग्ज़ाम की जो स्कीम है, क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है नहीं। तो आप इसकी देख सकते हो कितने क्वेश्चन फेज 1 फेज 2 जो भी आपके यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है नहीं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या रहने वाला है, तो संपूर्ण जानकारियाँ बताई गई है, ठीक है नहीं। और स्पष्टीकरण भी है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखी हुई है जिनको आप पढ़ सकते हो, और कितने के उसको देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो चालू हो जाता है, ठीक है नहीं, जो भी इसका चालू है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, और चैनल पर जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उसको भी देख लें, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ की ऑब्जेक्ट टाइप आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है नहीं। और ये हिसाब से, और 450 नंबर का रहने वाला मैक्सिमम, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे, ड्यूरेशन पेपर 3 घंटे का रहेगा, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क 3 मार्क्स के रहेंगे सभी क्वेश्चन, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसी के साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं कर रखा तो। काफ़ी लोग क्या वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। 2022 में जब ये आई थी ना, यू जोधपुर कंप्लीट अपडेट मिली थी, ठीक है नहीं। कोई भी चीज़ होती है तो उसको शुरू से लेकर के एंड तक अपडेट मिलती रहती है। जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनको पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है नहीं। तो इसी के साथ में जिन्होंने एक बार शुरू से लेकर के एंड तक सब्सक्राइब कर रखा, बेल आइकन दबा रखा, उनका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए, ठीक है नहीं। तो इसी के साथ में देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।